आज हम लोग एक कहानी सुनेंगे, वो है कबूतर और मूंगी की कहानी, चींटी, जिसे हम लोग चींटी बोलते हैं। कबूतर और चींटी की कहानी सुनेंगे हम लोग। एक बार एक तालाब था और उस तालाब के बाजू में एक बड़ा सा झाड़ था। झाड़ पे ना सिर्फ बड़े बड़े पत्ते थे और वहाँ पे एक कबूतर सो रहा था, कुटर कुटर करके सो रहा था वो। तो जैसे वो सो रहा था ना, वहाँ पे जो तालाब था उस तालाब में पानी बह रहा था और फिर उसको उस पानी में से अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, बचाओ 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 बचाओ। वो डर गया, बोला किधर से आवाज़ आ रही है। उसने यहाँ देखा, उसने वहाँ देखा, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था। वो फिर से सो गया। वापस उसको आवाज़ आई, बचाओ बचाओ बचाओ। वो वापस डर गया और वापस उसने देखा, वापस इधर देखने लगा, वापस उधर देखने लगा, फिर भी उसको दिखाई नहीं दिया। वो वापस सो गया। फिर उसको समझ में आया ये तो कहीं तो नीचे से आवाज़ आ रही है। तो जब उसने नीचे देखा तो वहाँ तो पानी था और पानी में एक चींटी थी जो पानी के बहाव में बह रही थी। और फिर उसको समझ में आया कि ये चींटी ही आवाज़ कर रही थी, बचाने के लिए मदद मांग रही थी। तो उसने जब उसको देखा तो वो डर गया, अभी मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे चींटी को बचाना है। फिर उसने आइडिया किया, तो सोचने लगा सोचने लगा। तो उसको अचानक आइडिया आया, उसने कहा कि एक मिनट, ये बड़ा सा पत्ता है, इस बड़े से पत्ते को मैं तोड़ता हूँ। तो उसने चोंच से एक पत्ते को तोड़ा और वो बड़ा सा पत्ता उस पानी में उसने डाल दिया। और जैसे वो पत्ता पानी में गिर गया, वो चींटी उस पत्ते पे चल के चल के चल के आ गई। और फिर वो धीरे धीरे पत्ते के साथ तैर के तैर के तैर के एक कोने में आ गई और चींटी उस तरह से बच गई। फिर चींटी ने कबूतर को थैंक यू बोला। क्योंकि क्यों बोला थैंक यू, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई। और उसने बोला कि अगली बार अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी आपकी जान बचाऊंगी। तो एक बार वैसे ही होता है और वो दोनों दोस्त हो गए। एक बार जब दोपहर होती है और वापस जब कबूतर खाना भी ना खा के सो रहा होता है, तो वहाँ पे धीरे से चुपके से एक शिकारी आता है और वो शिकारी उस कबूतर के ऊपर नज़र रखता है, उस कबूतर के ऊपर ऐसा बंदूक रखता है। तब वो चींटी देखती है, चींटी बोलती, अरे ये कबूतर तो ये शिकारी तो कबूतर को मारने आया है, उसने तो मेरी जान बचाई थी, मुझे भी इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करती है पता है, सोचती है क्या करूँ क्या करूँ। हाँ, फिर उसको आ जाते धीरे से उस शिकारी के पास जाती है और जैसे शिकारी बंदूक लेके उस कबूतर के सामने खड़ा रहता है, ये धीरे से जाती है, टिक 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 करके जाती है और फिर उसके पैर को जोर से चींटी काटती है। और ये उधर आया 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 चींटी ने काटा चींटी ने काटा चींटी ने काटा ऐसे चिल्लाता है। और उसकी आवाज़ सुन के कबूतर जाग जाता है और कबूतर को समझ में आता है, अरे ये शिकार तो मुझे मारने आया था। तो फिर कबूतर वहाँ से उड़ जाता है और इस तरह से कबूतर की भी जान बचती है। फिर कबूतर को समझ में आता है कि चींटी ने मेरी जान बचाई है। तो कबूतर चींटी को क्या बोलता है, तुमने मेरी जान बचाई इसलिए थैंक यू। तो दोनों जन वापस अच्छे से दोस्त बनते हैं। तो हमेशा एक दूसरे की क्या करनी चाहिए, हमें सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। थैंक यू।